चतुर तेनाली रामा। राजा कृष्ण देव राया हमेशा अपने सभी मंत्रियों के बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। आज मैं आप सबको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये आपके खुद के खर्च के लिए है, लेकिन ये स्वर्ण मुद्रा खर्च करने के लिए एक शर्त है। जब भी ये मुद्रा खर्च करनी है, उसके पहले आप सभी को मेरा चेहरा देखना होगा, और अगर कोई भी मेरा चेहरा देखे बिना ये मुद्रा खर्च करे तो उसे दंड दिया जाएगा। सारे सभा मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी घर लौट गए। एक हफ्ते बाद, चलिए सब बताइए किसने कितनी मुद्रा खर्च की और उससे क्या खरीदा आपने। जहां पन्हा, हम सब आपका चेहरा देखे बिना कैसे मुद्रा खर्च कर सकते हैं, इसलिए आपकी दी गई स्वर्ण मुद्राएं हम ले आए हैं। और तेनाली रामा, तुमने क्या खरीदा? जहां पन्हा, जो भी नए कपड़े और कीमती हार मैंने पहना है, वो सब आपके ही दिए गए स्वर्ण मुद्रा से खरीदा गया है। क्या इसका मतलब? तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, तुमने मेरा चेहरा देखे बिना ही ये सब कुछ खरीद लिया। मेरे भगवान, मैंने कभी आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। वो स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने से पहले हमेशा आपका चेहरा देखता था। लेकिन कैसे? मैं हमेशा राजमहल में ही रहता था, लेकिन तुम्हें यहाँ आते नहीं देखा। जहाँ पन्हा, मैंने जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं, उसमें हर मुद्रा पर आपका चेहरा छपा हुआ है। जहाँ पन्हा, राजा को तेनाली रामा की चतुराई से गर्व हुआ। राजा ने तेनाली रामा को और 5000 स्वर्ण मुद्रा से पुरस्कृत किया। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। तेनाली रामा, स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले जाइए। तात्पर्य, बुद्धि और चतुराई ही एक मनुष्य को अमीर बनाती है।